हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाय मिशन यादव, वाईफाई स्टडी सर्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं, लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मल्टी फंक्शनल ग्रुप या पॉली फंक्शनल ग्रुप, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे और कुछ आईपैक एग्जांपल लेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टर्मिनल ग्रुप क्या होता है। तो आप लेक्चर के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये ITJEE फाउंडेशन बैच 10th क्लास के बच्चों के लिए लेक्चर हम लेकर के आए हैं। बोर्ड वाले बच्चों को ज़रूरत नहीं है, ये बोर्ड में आपके नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मतलब इसमें आप परेशान मत होइएगा, कोई ऐसा कमेंट मत करिएगा कि सर ये सिलेबस में नहीं है, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं। हाँ, जैसे कि कार्बोक्जिलिक एसिड लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, एल्कोहल लेंगे, थाई एल्कोहल लेंगे, ओके, साइनाइड लेंगे, आइसोसाइनाइड लेंगे, किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन्हीं को हम बहुत कायदे से देखेंगे। तो CH3 और CH और सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर उसके बाद यहाँ पे CH3, और यहाँ पे एक ग्रुप और लगा देते हैं, एक ग्रुप हम और लगा देते हैं। एक ग्रुप कौन सा लगा दें, OH लगा दें। ओके, OH ग्रुप यहाँ पे लगा दें। अब इसका नेमिंग करना है, तो देखिए ये एक कीटोन लगा हुआ है, एक कीटोन लगा है और एक यहाँ पे एल्कोहल लगा हुआ है, तो इसका नेमिंग करना है आपको। तो इसका जब मतलब कि आता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। तो नंबरिंग आप किधर से स्टार्ट करें, 1 2 1 2। अब इसमें प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है, कीटोन है कि एल्डिहाइड का है, ये आपको याद रखना होगा। प्लीज़ आप बी केयरफुली, बहुत ही मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं RCOOH और RC डबल बॉन्ड O और R, ये क्या है, कार्बोक्जिलिक एसिड है, कार्बोक्जिलिक एसिड है, एस्टर है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड और RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, साइनाइड है, और RNC आइसोसाइनाइड है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे RCCHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा एल्कोहल, ROH एल्कोहल, RSH थायो एल्कोहल। तो ये आपका है एज ए प्रीफिक्स। अब इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि वो हम बताते चलेंगे प्रॉब्लम में। तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर है, इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इतना आपको याद रखना है। अगर इन दोनों में आता है तो पहली प्रियोरिटी इसकी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कीटोन और एल्कोहल, तो कीटोन के पहले तो ये आपका क्या हो गया, एज ए फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। और इसका एज ए फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी का मतलब, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये इसको ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी प्रीफिक्स है कि प्राइमरी प्रीफिक्स है, और दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये यूज करेंगे एज ए सफिक्स। एज ए सफिक्स क्या है यहाँ पे, ये एज ए सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप दैट मीन्स कि ये आपका सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स है। ओके, तो ये है, तो इसका अब नेमिंग करना है। तो थ्री थ्री हाइड्रोक्सी, क्यों, क्योंकि इधर से नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग ये हो जाएगा, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ओन,
टू पे ओन लगा हुआ है तो इसका आई पिक नेम हो जाएगा। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं, लेट सपोर्ट दैट कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पे देखिए ये कीटोन है, ये है कीटोन, दिस इज द कीटोन और दिस इज द एल्डिहाइड। ओके, ये एल्डिहाइड है। अब इसका कीटोन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा कि एल्डिहाइड का? आप यहाँ पे देखिए ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसका वो हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर से, क्योंकि वन पोजिशन पे वन टू थ्री एंड फोर आई पैक नेम इसका लिखना है, दिस इज दिस इसका आई पैक नेम लिखना है। तो कीटो के लिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो लिखते हैं, ऑक्सो। ओके, ऑक्सो कितने पे है? ऑक्सो थ्री पे है, थ्री पे, तो यहाँ पे थ्री थ्री ऑक्सो। ओके, थ्री ऑक्सो ब्यूट ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और एल्डिहाइड है, एज ए सफिक्स एल यूज करते हैं, एल एल, तो ये इसका आई पिक नेम हो जाएगा। ओके, एंड हम थर्ड की हम बात करें, अगर थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो लेट सपोज दैट कि कुछ यहाँ पे ऐसे होता सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ये हो, ये डबल बॉन्ड है। ओके, ये डबल बॉन्ड है सी ओ, तो ये क्या है? क्या ये आपका ये सी ओ ओ एच है? तो ये सब प्रॉब्लम ऐसे करा लिए हैं। इसकी बैलेंसी यहाँ पे ये क्या है? सी एच ओ है, ये सी एच ओ है, ये ओ ई एसिड है, तो इसका ये एज ए फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, एज ए फंक्शनल ग्रुप, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड अगर सी एच ओ होता है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है और टर्मिनल होता है, तो कार्बल्डिहाइड इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये टी एफ जी है, टी एफ जी, तो कार्बल्डिहाइड है। ओके, और इसके लिए ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड। ये है क्या? ये आपका सेकेंड, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो ये सारी चीज़ें प्रीफिक्स सफिक्स है ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते रहिए, समझ में आता रहेगा, अदरवाइज आपको ये सब। तो किस पोजीशन पे नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? वन टू कार्बन, थ्री कार्बन एंड फोर कार्बन। तो फोर पे क्या लगा है? सी एच ओ के लिए क्या? ऑक्सो लिखते हैं, ऑक्सो, फोर ऑक्सो, अभी हमने लिखाया था फोर ऑक्सो। ओके, तो फोर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड, फोर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको हम रब करें जल्दी से, आप स्क्रीन शॉट लीजिए। अच्छे प्रॉब्लम थे, तो इस तरह प्लीज आप केयरफुली नोट करते रहिए। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा हम लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं। लेट सपोज दैट कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, ये इस तरह हो, ये क्या है? एस्टर है, एस्टर, दिस इज द एस्टर। ओके, तो एस्टर के लिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मेथिल एथनोएट, मेथिल एथेनोएट एट। ओके, एंड सिक्स के प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे अब हम एथिल ले लें, सी एच थ्री सी एच टू और सी डबल बॉन्ड ओ ओ
CH2 और CH3 ये है, ओके। तो एथिल ये क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपोनोएट क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपोनोएट, ओके। एथिल प्रोपोनोएट ये तीन कार्बन हो जाएगा ना, तो ये आपका एथिल हो गया और ये प्रोपोनोएट प्रोपेन हो गया है, प्रोपोनोएट, ओके। क्योंकि एज ए एथिल प्रोपोनोएट, ओके, ये हो जाएगा। अच्छा एक यहाँ पे देखिए, इसका ए हो गया और इसका बी पार्ट जरा देखिए, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एस CH3। अगर ये हो जाता तो क्या करते यहाँ पे, तो इसके लिए हम मेथिल, इसको क्या लिखेंगे, मेथिल एथनोएट थायोएट, एथनोएट है ना, एथनोएट फिर थायोएट, थायोएट ये कर देंगे, थायोएट, ओके। मेथिल मेथिल एथेन, मेथिल एथेन, मेथिल थायोएट हो जाएगा, मेथिल थायोएट। लेट्स सपोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH2 CH3, यहाँ पे हो जाए S, हो जाए यहाँ पे S लग जाए केवल, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपेन थायोएट, एथिल प्रोपेन थायोएट, थायोएट ये इसका आईपिक नेम हो जाएगा, ओके, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन 7 की हम बात करते हैं। आप क्वेश्चन 7 अगर ले लें, कुछ दो फंक्शनल ग्रुप ले लें, लेट सपोज दैट कि हम यहाँ पे चार कार्बन के साथ 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ओ एच ये ले लें, और फिर उसके साथ यहाँ पे आए कीटोन कहीं पे लगा, चलो यहाँ पे लगा देते कीटोन लगा देते, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका एस्टर, ये क्या हो गया है, आए जे यहाँ पे एस्टर हो गया है, वो कीटोन है ना, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो दिस इज द कीटोन, कीटोन, तो इसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे, ओके। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इसका आप आईपैक नेम करिए, आईपैक नेम करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको सबसे पहले उसी को लिखते हैं, तो 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो कितने हैं, ब्यूट, वर्ड रूट, रूट वर्ड यहाँ 4 है, ब्यू ब्यूटे नोइक एसिड, ये हो गया 3 ऑक्सो ब्यूटर नोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ओ ओ एच और यहाँ पे सी एच ओ लगा दें, अब हम एल्डिहाइड लगा दें, तो ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, देखिए सी एच ओ की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और एल्डिहाइड के लिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लगाते हैं, ये आपको मेमोराइज करना होगा, 1 2 3 एंड 4 ये 4 नंबर का एक रूट वर्ड मिल रहा है, 4 नंबर का रूट वर्ड मिल रहा है, ओके, 4 नंबर का
रूट वर्ड मिल रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम क्या मतलब सब्स्टिट्यूएंट में यूज करते हैं फॉर्मिल। फॉर्मिल अभी लिखाए हुए हैं, किस पोजीशन पे है, थ्री पे है, थ्री थ्री फॉर्मिल। और फिर इसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे, है ना, ब्यूट, एसिड, ब्यूटनोइक एसिड, ये इसका आईपेक नेम हो गया है, आईपीएसी नेमिंग हो गया है। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं फिर आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। प्लीज आप इसको करिएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 9 हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, और फोर कार्बन की हम लेते हैं, 1 2 3 4। चलो यहाँ पे इसी को हम लगा के थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे अब हम साइनाइड लगा दे रहे हैं, एक कार्बन और ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम साइनाइड लगा दे रहे हैं, C(NN), तो ये क्या हो जाएगा। ओके, तो अब इसको बताना है, तो यहाँ पे ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, 1 2 3 4 और 5, तो क्या है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे एथे। ये आपका देखिए, ये आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करें, COO और C2H5 ले लो, चलो ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको हम सबसे पहले एथिल लिखेंगे, एथिल। ओके, ये एथिल लिखेंगे, एस्टर में आपसे करते हैं एल्किल। एस्टर के लिए हम क्या, एस्टर में हम यूज करते थे ना, एस्टर RC(OO) और R, तो ये होता है। और इसके लिए एस्टर के लिए एल्कोक्सी एल्कोनोएट, एल्कानोएट ये लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, जब एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, जब ये फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे ये आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप की तरह है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बोले तो ये सफिक्स है, कौन सा सफिक्स होता है, ये सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। ओके, तो ये होता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल लिखते हैं, और एल्काइल कार्बो नो एल्काइल कार्बोक्सोलेट लिखते हैं, एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। TFG के लिए क्या लिखते हैं, TFG, जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एल्काइल 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 कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट ये लिखते हैं। ओके, कार्बोक्सिलेट, तो अब इसका नेमिंग तो आप कर लेंगे, एथिल थ्री साइनो, एथिल थ्री साइनो, एथिल थ्री साइनो, और फिर हो जाएगा एथिल थ्री साइनो फाइव है तो पेंटा नो एट, पेंटानोएट। देखिए हमने कार्बोक्सिल एल्कोक्सी एल्कानोएट, है ना, जो एल्कोक्सी अगर है तो एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अगर यूज करते होता है तो एल्किल, तो देखो ये आपका एल्किल कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे एथिल, पहले ये एथिल लिखेंगे, एल्कॉक्सी एथिल थ्री साइनो पेंटा नो एट, ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, लेट सपोज दैट प्लीज आप क्वेश्चन को करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द इम्पोर्टेंट HC। देखिए पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा टाइम देखिए लगता है,
अगर आपको सही से पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। एक हम एमीन ग्रुप लगा देते हैं, तो इसका नेमिंग करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? ओके, इसका नेमिंग करना। और नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, है ना। तो 2 पे ये, इसके लिए अमीनो लिखते हैं। अब इसका इसका सबसे ज़्यादा होता है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। एज ए ये सब्स्टिट्यूएंट, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये भी होगा, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये भी, ये सारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर अकेला रहता तो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करता है, लेकिन अब यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो, यहाँ पे जो प्रियोरिटी इसकी ज़्यादा है, सी ओ एच की प्रियोरिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए अमीनो लिखते हैं। ओके, दिस इज द अमीनो, अमीनो। इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं, ये तो आपको पता है, हाइड्रोक्सी। और इसके लिए ऑक्सो लिखते हैं, ये भी आपको पता है। ओके, या सी एच ओ है, सॉरी सी एच ओ है, हाँ ऑक्सो भी लिख सकते हैं, फॉर्मिल भी लिख सकती, या तो फॉर्मिल कीटो के लिए, कीटो के लिए अगर कीटोन है, कीटोन है तो उसके लिए हम एज ए, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, तो उसमें लिखते हैं, ये आपका सी एच ओ है, सॉरी ये आपका सी एच ओ है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हम लिखते हैं फॉर्मिल, फॉर्मिल या तो ऑक्सो लिखते हैं। अब फॉर्मिल कब लिखते हैं? फॉर्मिल तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट हो में, तब हम लिखेंगे इसको ऑक्सो को, ये आप याद रखिए। ओके, ऑक्सो, ये आप याद रखिए ऑक्सो। और नॉट नॉट कार्बन सेकेंड है, इफ नॉट कार्बन काउंट देन, किसमें? रूट वर्ड में, देन देन सी एच ओ, सी एच ओ के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखें, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है एनी हाउ। ओके, तो यहाँ पे अब इसीलिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे नंबरिंग 1, इसके लिए 2 और 3, अब ये कार्बन सी एच ओ को नहीं करते हैं, जब नहीं काउंट करते हैं तो फॉर्मिल होगा। तो सबसे पहले अल्फाबेट ए आता है, तो कितने पे है? 2 पे, 2 पे अमीनो, और फिर आपका यहाँ पे फॉर्मिल आता है। ओके, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब देखिए 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद फॉर्मिल। अच्छा, यहाँ पे अल्फाबेट में तो ये पहले आएगा, तो यहाँ पे हम ये कह दें कि 3 पे फॉर्मिल लगा हुआ है, फॉर्मिल 3। अब देखिए इसी कार्बन पे, इस कार्बन पे आपको OH ग्रुप भी लगा हुआ है, और ये CHO लगा हुआ है, CH ओ, ये इसके लिए सी एच ओ भी लगा हुआ है। तो 3 अमीनो, 3 फॉर्मिल, 3 हाइड्रोक्सी, फिर अब कितने कार्बन? कार्बन, अब ये मेन का जो कार्बन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, रूट वर्ड जो होंगे, रूट वर्ड ये हो जाएंगे, तो प्रोपनोइक एसिड, ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। अगर इसी को हम
ये फॉर्मिल के लिए हो गया है, अगर हम ऑक्सो के लिए करें, ऑक्सो के लिए, फॉर ऑक्सो के लिए अगर हम यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग करें तो क्या करेंगे, इसको हम फोर मान लेंगे। अब तो ये कितने पे है, टू टू एमिनो और फोर फॉर्मिल, जब यहाँ पे मतलब इसको काउंट कर लेते हैं, काउंट के लिए ऑक्सो करेंगे, अब काउंट के लिए ऑक्सो और देन उसके बाद यहाँ पे ये और फिर और कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी कितने पे है, थ्री पे, थ्री हाइड्रोक्सी, थ्री हाइड्रोक्सी, फिर ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। तो ये या तो आप इसको लिखें, ये ऊपर वाला, या तो ये दोनों सही है। ओके, दोनों आईपीएक नेम सही है इस कंपाउंड के लिए। तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जब कार्बन काउंट होगा तब हम क्या आईपीएक नेम लिखेंगे, कार्बन काउंट नहीं होगा तो फार्मिल, और कार्बन अगर काउंट करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सो लगाएंगे किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।